अंडर जो है ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज द सेल्स टैक्स। आज मैं लेक्चर जो है उसके अंदर स्टार्ट में ही बिगिन करूंगा और आप लोगों से जो है इस पे जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी इशू है, उसको आपसे पहले डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसे समझें और आप लोग जो है इसको इसमें कंफ्यूज ना हो कि क्या आखिर हो रहा है। और फॉर्मली बिगिन करते हैं आज इसको, और चूंकि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिफोर द स्टार्ट, हम कल इसमें बात कर रहे थे कि आपने सबसे पहले ये समझना है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कल हमने इसमें काफ़ी डिटेल में इन द सेंस ये डिस्कस किया था कि ये ड्यूटी होती क्यों है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इसकी स्कीम जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, वो बिल्कुल सिमिलर है टू सेल्स टैक्स एक्ट ऑफ 1990 है ये। और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो ये है कि सारी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो उस कलेक्ट होगी सेल्स टैक्स बोर्ड में। टुडे वी हैड अ मीटिंग विद मेंबर आईआर ऑपरेशंस डॉक्टर शाह खान, हु इज अ BS-22 ऑफिसर, और वी आल्सो हैड अ मीटिंग विद जो है हारून अख्तर खान, हु इज द स्पेशल एडवाइजर एंड द स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, his special advisor on revenue to the prime minister of Pakistan. So we had a meeting and then we told him that so far we have only 28 cases in this dispensation that are exclusively related to federal excise. Kyunki non-corporate sector hai to uske andar federal excise ke bahut kam cases hain, jabki sales tax ke takriban jo hain wo 2500 ke kareeb cases hain. और तकरीबन वैसे जो पे कर रहे हैं वो तो 2500 हैं, वैसे 28,000 केसेस हैं। तो जी, एक अटेंडी पूछ रहे हैं कि क्या ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है। जी, ये लेक्चर बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। एडमिन जो है उन्होंने हमें गो अहेड दे दिया है, रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं इस लेक्चर की। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट आवर मीटिंग एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है डिपेंड करती है अपने स्कोप के लिहाज से कि ये कुछ स्पेशल एरियाज में एप्लीकेबल है। अगर मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस में 28,000 केस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 28,000 सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड केसेस फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केसेस जो हैं वो पूरे इस नॉन कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस में सिर्फ 28 केसेस हैं, जिसका मतलब ये है कि जो सेक्टर है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, जो कि एक्साइजेबल गुड्स और एक्साइजेबल सर्विस को डील करता है, वो वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देने का पाबंद हो। सेल्स टैक्स एक्ट का जो है वो स्कोप बहुत ब्रॉड है और उससे बहुत बहुत ज्यादा नैरो जो स्कोप है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, एक उससे होती है माइनर डिग्री, और एक होती है सबसे लोएस्ट डिग्री। तो इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन एक आप समझ लें सुपर सेट है, उससे छोटा जो है एक सेट है वो है सेल्स टैक्स, और सबसे लोएस्ट सेट जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का है व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन ऑफ फेडरल रेवेन्यू। तो इनकम टैक्स जो है वो कई लोग देते हैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर हुए बगैर, ठीक, और जरूरी नहीं है कि जो इनकम टैक्स दे रहा हो वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं मगर उनका सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी नहीं। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स दे रहे हैं मगर उनका फेडरल एक्साइज ड्यूटी डिडक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या जो वो नेचर ऑफ बिजनेस उनकी है वो शायद ये भी डिमांड करती है कि उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी ना हो। तो जहां तक ये अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मैं आपको शायद, मुझे यकीन है आपको क्लियरली दे चुका हूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज अ सेपरेट चार्ज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी उसे देना पड़ेगा टैक्स पेयर को, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ेगी अगर वो एक्साइजेबल सर्विसेज कर रहा है
या एक्साइजेबल गुड्स जो है या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है। ठीक, हर इंपोर्ट के ऊपर एक्साइज एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ स्पेशल सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक्साइज की ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, और इसी तरह जो है वो सारे के सारे हमारे इस फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर मेंशन्ड हैं। तो चूंकि कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, डेफिनेशंस में मैंने आपको वो चीजें पढ़ाई हैं जो कि ना इनकम टैक्स में डिफाइंड है और ना सेल्स टैक्स में। कुछ चीजें ऐसी हैं सेल्स टैक्स की जो कि ओवरलैप करती हैं फेडरल एक्साइज के साथ, और उन चीजों को कल मैंने स्किप किया था। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें जैसे फर्स्ट करें आप ड्यू डेट कहते हैं, ड्यू डेट जो सेल्स टैक्स रिटर्न की होगी वही ड्यू डेट जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की होगी। इनकी रिटर्न भी एक ही होती है, सेल्स टैक्स के मोड में कलेक्ट होता है, तो सेल्स टैक्स की रिटर्न में फेडरल एक्साइज ड्यूटी अकाउंट फॉर होती है। तो ये एक मैंने आपको प्रैक्टिकल इनसाइट दी है, आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड विद अस, क्योंकि वी हैड अ वेरी वेरी बिग मीटिंग टुडे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर रीजनल टैक्स ऑफिस, वन ऑफ द एंटायर रीजनल टैक्स ऑफिस ऑफ लाहौर। अब अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो फेडरल एक्साइज के सारा मेजर चंक है दैट इज ऑलवेज इन द लाहौर लार्ज टैक्स पे यूनिट्स, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, चाहे वो जो है लाहौर का हो। अगर मैं एक आपको एक और एग्जांपल दूं कि जो ये है एक कंपनी है बहुत बड़ी ओगरा के अंडर आती है जो एक्सप्लोरेशन OGGCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पाकिस्तान की जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है, और इसकी तकरीबन पूरे साल की जो सेल है दैट वुड बी या पूरे साल का टर्नओवर है दैट इज अबाउट 5 ट्रिलियन रुपी, कितने 5,000 अरब से ज्यादा इसकी एक साल की सेल है, 5,000 बिलियन रुपी। लास्ट ईयर इसका जो खाली प्रॉफिट था वो 100 अरब रुपए इस कंपनी का प्रॉफिट था। अच्छा, और ये सबसे बड़ी एक्साइज की कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, और जो है ये तो एक बेयर फैक्ट है। सिमिलरली मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बारे में बताया था कल, वो बहुत बड़ा मेजर चंक कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये तो आपको मैंने एक मेजर इसका जो बता दिया चंक बता दिया प्रैक्टिकल स्पीकिंग। आज हम इसकी मेजर चीजें कुछ डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और मैंने इसको कोशिश की है कि आप लोगों के लिए पहली ही स्लाइड में आपको इतना जिस्ट दे दिया जाए कि उसके बाद आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेल्स टैक्स है कि सबसे पहले आपको बताएगा चार्ज क्या है, कि आपने किस किस चीज पे चार्ज करना है, फिर आपको बताएगा कि उसका स्कोप क्या है, उसमें कोई जीरो रेटिंग इन्वॉल्व है या नहीं, फिर आपसे जो है वो पूछेगा उसमें रिकॉर्ड्स कहीं यूज होते हैं नहीं होते, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, इसको पे कैसे करना है, उसके अलावा इसमें अगर कोई एग्जेम्पशंस हैं, अगर कोई इसमें रिकवरी है, इसमें कोई डिफॉल्ट सरचार्ज है, अगर कोई अमाउंट शॉर्ट लेविड है इसको कैसे रिकवर करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो इसमें फर्क ये है कि ये जो है इसमें एक एडजस्टमेंट की टॉपिक है, और दूसरा इसमें फर्क ये है कि ये कुछ बहुत नैरोली रिस्ट्रिक्टेड होके अप्लाई होता है। बिगिन करते हैं सेक्शन 3 से, जो इसका पहला सेक्शन है। सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 हम आज पढ़ रहे हैं कि ड्यूटीज आपके सामने डिस्प्ले हो गई हैं। ये कहता है कि ड्यूटीज जो स्पेसिफाइड हैं इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू बी लेविड, ये लॉ बिगिन ऐसा करता है कि ड्यूटीज जो फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन्ड हैं उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। किस तरह पर एप्लीकेबल होगी? देयर शेल बी लेविड, लेविड लेवी किया जाएगा, आप इसे लेवी समझ लें, और ये लेवी होगा, एक लेवी मतलब आपने इस पे इम्पोज कर दिया है, इसे इम्पोज कर दिया है, और इस लेवी को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये लॉ क्या कहता है कि ड्यूटी स्पेसिफाइड जो भी है फर्स्ट स्केड्यूल में वो लेविड होंगी,
वो लेवी की जाएंगी, वो कलेक्ट होंगी, और वो किस तरीके से होंगी? देयर शैल बी लेविड, एक लेवी की जाएगी एंड कलेक्टेड, कलेक्ट की जाएगी इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। ठीक है, एक मैनर जो है गवर्नमेंट उसे प्रेस्क्राइब करेगी, क्या प्रेस्क्राइब करेगी? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन किस चीज पे? गुड्स पे, वो जो प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं। अच्छा, ये अटेंडी मुझसे पूछ रहे हैं लेवी को एक्सप्लेन कर दें। लेवी इज नथिंग बट अ चार्ज, ये ऐसे ही है जैसे आप कोई चार्ज या कोई अमाउंट, किसी एक फिक्स्ड अमाउंट आप किसी चीज के ऊपर चार्ज करते हैं। लेवी इज नथिंग बट अ चार्ज, एक एक्स्ट्रा अमाउंट या कोई भी अमाउंट जो भी है आप टैक्स की या ड्यूटी की, इसे ड्यूटी कहा जा रहा है, इट्स नॉट अ टैक्स, एक एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप चार्ज कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा चार्ज को आप लेवी कहते हैं। ठीक है, देयर शैल बी लेविड, लेविड को आप समझें चार्ज, देयर शैल बी लेविड एंड लेविड और चार्ज एंड कलेक्टेड, कलेक्ट किया जाएगा इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कोई भी प्रेस्क्राइब कर सकती है गवर्नमेंट, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज की ड्यूटीज ऑन गुड्स, उनसे गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं और मैन्युफैक्चर हुए हैं पाकिस्तान में या इंपोर्टेड, पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द नॉन टैरिफ एरियाज एंड आर ब्रॉट टू द टैरिफ एरियाज फॉर सेल और कंजम्पशन देयर इन। मतलब ये ड्यूटीज ऑफ एक्साइज अप्लीकेबल होंगी उन गुड्स पे जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए हैं या बनाए गए हैं, इंपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, या ये वो गुड्स हैं जो नॉन टैरिफ एरियाज में मैन्युफैक्चर हुए हैं और इनको लेके आया गया है टैरिफ एरियाज में फॉर सेल और कंजम्पशन। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये नॉन टैरिफ एरियाज कौन से हैं, तो मैं कल आपको शायद बता चुका हूँ कि नॉन टैरिफ एरियाज वो एरियाज हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर के और कुछ नॉर्दर्न एरियाज और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ फेडरल एक्साइज ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरियाज जहाँ फेडरल एक्साइज ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं है, अगर उधर कोई गुड्स बनते हैं और वो पाकिस्तान के उन एरियाज में आते हैं जिन्हें टैरिफ एरियाज कहा जाता है, तो उस जो है सेल और कंजम्पशन के ऊपर भी एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ठीक, आई होप आप इसे समझे होंगे, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, सॉरी, कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स पे लगेगी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, और वो गुड्स उन पे भी एप्लीकेबल होगी जो नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में कंजम्पशन या सेल के लिए लेके आए गए हैं। उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जो है वो एप्लीकेबल होंगी सर्विसेज पे। अटेंडी नंबर मुझसे पूछा जा रहा है कि टैरिफ एरिया कौन से हैं। टैरिफ एरिया वो एरिया है जहां आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। अब लॉ में तो यही डिफाइंड है कि टैरिफ एरिया वो है जहां ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगी। नॉन टैरिफ एरिया को उसने ज्यादा डिटेल में बताया है, वो कहता है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि लॉ कहता है कि नॉन टैरिफ एरियाज आर एरियाज ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, या वो एरियाज जो कि स्पेसिफाइड होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो कि आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी के परव्यू या एप्लीकेशन से बाहर है। इधर अगर किसी किस्म का गुड मैन्युफैक्चर होगा तो उस पर ड्यूटी नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसा गुड इधर मैन्युफैक्चर होता है और वो टैरिफ एरिया में लेके आया जाता है तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है सर्विसेज में, सर्विसेज कौन सी जो प्रोवाइडेड है इन पाकिस्तान में, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई ऐसी सर्विसेज जो पाकिस्तान से बाहर ओरिजिनेट हुई हैं और वो जो है पाकिस्तान में जनाब जी अगर आके कोई बंदा प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। मसलन फर्ज करें वर्ल्ड बैंक जो है अगर कहते हैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है पाकिस्तान में, अब वो सर्विसेज तो बाहर ओरिजिनेट होंगी कि उन्होंने हमारा कोई चीज बेहतर करनी है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर इम्प्रूव करना है, इस तरह की कोई इशू अगर है तो सर्विसेज तो बाहर ओरिजिनेट हुई है, मगर चूंकि पाकिस्तान में इनको रेंडर किया जा रहा है, इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इस केस में भी
उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने एक और इसमें है कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी किस रेट पे एप्लीकेबल होगी। जी जनाब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी 15%, ठीक है, एड वेलोरम, ठीक है, एड वेलोरम मतलब जो अमाउंट है टोटल उसके ऊपर, ये उसकी वैल्यू एडिड अमाउंट जो है, जो भी अमाउंट है उसकी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स हो चुका है, इनकम टैक्स लग चुका है, जो भी है वो लगने के बाद उस पर 15% चार्ज होगी, सेल्स टैक्स की अमाउंट होगी, वो जो टैक्सेस की अमाउंट होगी, ठीक। एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट कैजुअल की गुड्स के अलावा जो है 15% जो है वो एप्लीकेबल होगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विच शैल बी चार्ज टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विच शैल बी चार्ज टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड एट द रेट सेट फोर्थ इन, मतलब इसका सिंपल है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 15% ऑफ द अमाउंट पे चार्ज होगी, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट कैजुअल जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट कैजुअल में रेट्स डिफरेंट हैं, तो जो गुड्स फेडरल फर्स्ट कैजुअल में मौजूद नहीं है उनके ऊपर डिफरेंट ड्यूटी जो है एप्लीकेबल होगी, डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। तो हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, ठीक, कि ये फर्स्ट कैजुअल क्या है आपके सामने। जी, फर्स्ट स्केड्यूल के एक्साइजेबल गुड्स की मैंने बिल्कुल शॉर्ट सी लिस्ट बनाई है, वो ये गुड्स हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रेट्स एप्लीकेबल हैं। आप देख लें, एडिबल ऑयल्स आपके सामने डिस्प्ले हो गया है, एडिबल ऑयल्स एक्सक्लूडिंग डी ऑक्सीडाइज सोयाबीन, इस पे 16% है, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल पे 16% है, कंसंट्रेट्स फॉर एरेटेड बेवरेजेस इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग सिरप फॉर्म, इस पे 50% वैल्यू है, और एरेटेड वाटर्स वो होते हैं जिन जिन वाटर्स को आप जो है वो कहते हैं एरीफाई करते हैं, जिनके अंदर आप एयर वाटर वो आपके वाटर्स जिनके अंदर आप एयर को पंप करते हैं, ये 11.5% ऑफ रिटेल प्राइस पे होगा। मुख्तलिफ इसकी वो है कहता है रेट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट कैजुअल के अंदर एक एक जो है वो अमाउंट कहता है अमाउंट दी हुई है रेट की, और उसके अलावा उसकी कैटेगरी दी है और उसकी हेडिंग दी हुई है, उसके मुताबिक उसे चार्ज किया जाता है, और चार्ज करने के बाद उसकी एप्लीकेशन होती है। आगे चलते हैं, ये थोड़े एक्साइजेबल गुड्स की एक छोटी सी मिसाल, अब एक्साइजेबल सर्विसेज पे आ जाते हैं। जी, एक्साइजेबल सर्विसेज ये हैं, आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है, एक्साइजेबल सर्विसेज हैं एडवर्टीजमेंट्स ऑन क्लोज सर्किट टीवी, अगर आप किसी भी किस्म के क्लोज सर्किट टीवी को देखते हैं तो उसके ऊपर एक्साइजेबल सर्विसेज एप्लीकेबल होंगी। एडवर्टीजमेंट्स अगर आप कोई देते हैं, इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स बाय एयर अगर है तो उस पर भी 16% है। जी, मुझसे पूछा गया है कि एरेटेड वाटर क्या है, एरेटेड वाटर बेसिकली तो एक फॉर्म है ये वाटर की, मगर ये आपके टैक्स से चूंकि डील नहीं कर रहा तो ना फेडरल एक्साइज, ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। एरेटेड का मतलब होता है एरेशन, टू फिल इट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एनी लिक्विड विच इज ऑक्सीडाइज्ड, एनी लिक्विड विच इज पंप थ्रू विद एनी गैस इज कॉल्ड एरेटेड, ठीक। चले आगे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया है, अब जिस तरह मैंने आपको एक्साइजेबल सर्विसेज के बारे में बताया है, ये तीन कैटेगरीज मेंशन मैंने आपको की हैं, और इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म, तीनों कैटेगरीज हैं, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ऑन केबल टीवी है, क्लोज सर्किट टीवी है, एडवर्टीजमेंट ऑन जो है अगर कोई और चीज होगा तो उसके ऊपर भी 16% ऑफ चार्जेस होंगे, इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स है बाय एयर इसके ऊपर 16% होगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि रिसेंटली हमने एक कंसाइनमेंट जो है इम्पोर्ट की वो पकड़ी एक इनलैंड कैरेज जो है उससे, तो दे वर नॉट चार्जिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हमने जब उनके खाते खोले वी केम टू नो अबाउट कि जो इन लोगों ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो कैरेज इन्होंने एयर कहते हैं एयर के थ्रू मंगवाया है और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी डिडक्ट नहीं की, देन वी मेड देम पे दैट फेडरल एक्साइज ड्यूटी। आगे चलते हैं कि ये आपको मैंने दिखा दिया है। अच्छा जी, अब
ये बिल्कुल सिंपल आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। अच्छा, इंपोर्ट्स जो होती है ना, उनके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इंपोर्ट्स पे, वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के पास है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही इंपोर्ट आती है तो सबसे पहले कलेक्टर ऑफ कस्टम्स उसको अपने पास जो है वो डील करते हैं। ठीक जी, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि ड्यूटी रेट इज 16% अंडर सेक्शन 3। नहीं, ये सेक्शन 3 के अंदर मैंने आपको बताया है कि वैसे तो जनरल एप्लीकेशन जो है वो 15% की है, मगर आगे आपको मैं प्रोविजन दिखाऊंगा जिसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई भी रेट हायर या लोअर स्पेसिफाई कर सकती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए। ठीक, फर्स्ट कैजुअल के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो लॉ कहता है। लॉ ये कहता है कि वो आइटम्स फर्स्ट कैजुअल में नहीं होंगे उनके ऊपर 15% ड्यूटी है। फर्स्ट कैजुअल अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं एक दफा दोबारा आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ, कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो। जी, फर्स्ट कैजुअल जो है एक्साइजेबल गुड्स का, ये एक्साइजेबल गुड्स मेंशन है फर्स्ट कैजुअल में, आपके सामने आ गया है। आप देख रहे हैं कि हर कैटेगरी जो है उसका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। आप जरूर समझ गए होंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट हायर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं। जो एक्सक्लूजन की क्लॉज है वो एक दफा मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपकी ज्यादा आसानी के लिए, आपको समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपके सामने हाईलाइट हो गया है। ये कहता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी सर्विसेज और गुड्स पे एप्लीकेबल होगी 15% एड वैलोरम उनकी वैल्यू के ऊपर। एड वैलोरम एक वर्ड है, बेसिकली ये एड एक वैल्यू को डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉ की जो है ये टर्मिनोलॉजी है, तो ये लॉ इसे लॉ की ये टर्मिनोलॉजी क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें हमें गाइड अक्सर करते रहते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें गाइड करते रहते हैं। दे ऑफन से टू अस कि एड वैलोरम ये बहुत अरसे से लॉ में चला रहा है, क्योंकि लॉ का जो बेसिकली मखस है, जो लॉ की ओरिजिन है वो लैटिन है। लॉ ने बहुत ज्यादा लफ्ज़ जो है लैटिन से बोरो किए हैं और ग्रीक लैंग्वेज से बोरो किए हैं। तकरीबन 3,500 साल से लॉ की लैंग्वेज जो है इनिशियली लैटिन थी, और आज भी लैटिन के लफ्ज़ बहुत ज्यादा यूज होते हैं लॉ के अंदर। उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है और उनका लफ्ज़, एक लफ्ज़ पूरी दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। एड वैलोरम हो गया, डी नोवो हो गया, कहता है म्यूटेट, कहता है म्यूटेडिस, म्यूटेंडिस, म्यूटेंडिस जो है एक लफ्ज है, वो भी आप आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर सेस टैक्स भी लगता है और फिर अच्छा, ये आप थोड़ा कंफ्यूज करें। आपने लिखा है कि क्या सेल्स टैक्स भी लगता है और एफईडी भी लगता है और इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो तो इनकम टैक्स भी लगता है। जी बिल्कुल लगता है। देखें, मैंने आपको सबसे पहली चीज आज जो बताई है वो क्या है कि इनकम टैक्स तो एक सबसे सुपर लेवल का आपका सेट है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा इनकम टैक्स दे, हर बंदा जो है वो सैलरीड बंदा इनकम टैक्स देता है, मगर हर सैलरीड बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और ना फेडरल एक्साइज के अंदर उसने पेमेंट करनी है। ठीक, अब आप मिसाल के तौर पे आप इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू भर्ती होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स ऑन हैंड टुडे। आई हैव टू से दिस विद मच प्लेजर कि द मेंबर आईआर ऑपरेशंस वाज सेइंग कि जो न्यू रिक्रूटमेंट इंशाल्लाह आएगी इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू की, आपने उनको पहले दिन से ही सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के ऊपर हैंड्स ऑन बनाना है, एंड द कमिश्नर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन एवरी सिंगल पर्सन हैंड्स ऑन। इनकम टैक्स के अंदर भी इस तरह की बात है, मगर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में आपको हैंड्स ऑन करने की फिलहाल अभी से सुपर टास्क दी जा चुकी है। तो चूंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है
कि जरूरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि हर सेल्स टैक्स देने वाले बंदे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो, जरूरी नहीं है कि हर इनकम टैक्स देने वाले के ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हो। जब आप लॉ को मजीद इंशाल्लाह देखेंगे, अभी आपके परव्यू से बाहर है, मैं समझा तो आपको समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, मगर मैं आपके स्कोप को देखते हुए फिलहाल यही कहूंगा कि आप अपने आप को इतना ही रिस्ट्रिक्टेड रखें कि ये जो है सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बाद इनकम टैक्स आता है, इनके बाद इनकम टैक्स आता है, ठीक है? आप जब सेल कर चुके होते हैं पूरे साल की, उसके बाद जब सेल कर लेते हैं उसमें से अपने खर्चे निकालते हैं, अपनी सेल में से जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगता है, ठीक है? तो अब ये नहीं हो सकता कि पहले आपसे इनकम टैक्स ले लें उसके बाद आपको कहें कि अब आप सेल्स टैक्स दे दें, अब आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे दें। दिस इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है? मैं आपको ये काफी तफसील से बता चुका हूँ, आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग कहाँ हैं। जी बिल्कुल, हम आ गए हैं दोबारा सबसेक्शन ट्यू पे। सबसेक्शन को कहता है कि मोड ऑफ ड्यूटी कलेक्शन ऑन इम्पोर्ट्स जो है, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन द सेम मैनर एंड एट द सेम टाइम एज इट वर अ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स पेबल अंडर द सेक्शन। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि कलेक्टर कस्टम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ड्यूटी कलेक्ट करने की, जो जो इम्पोर्ट पे ड्यूटी कलेक्ट होगी वो कलेक्टर कस्टम्स करेगा, ठीक? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है एक और एक्सक्लूजन ये दी गई है कि चलें ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले हो गई है, पावर ऑफ बोर्ड टू लेवी ड्यूटीज। बहुत सिंपल है कि बोर्ड कुछ खास कैटेगरीज ऑफ एक्साइजेबल गुड्स और सर्विसेज जो है उनके ऊपर जब चाहे लेवी कर सकता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कलेक्ट कर सकता है ड्यूटी, और वो किस तरीके से करेगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्लांट्स की, मशीनरी की, अंडरटेकिंग्स हो गई, एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, इंस्टॉलेशन, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स, ऐसे प्लांट्स या ऐसे बिजनेसेस जो कि इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक्साइजेबल गुड्स, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है, उनके प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है, उनकी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है, अंडरटेकिंग्स की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट, कल मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट को आपने बहुत ब्रॉडली देखना है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब एओपी भी है, कंपनी भी है, ट्रस्ट भी है, इंडिविजुअल भी है, ये कल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी बोर्ड चाहे तो फिक्स्ड बेसिस के ऊपर भी लगा सकता है, बोर्ड की मर्जी है, वो किसी खास क्लास ऑफ सर्विसेज, खास क्लास ऑफ गुड्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है, ठीक? तो ये बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। जिस तरह सेल्स टैक्स में मैंने आपको फर्दर टैक्स का बताया था, आज हमारी इस पे भी काफी डिबेट हो रही थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी फर्दर ड्यूटी होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो उसने देनी है वो 2% ज्यादा देनी है, 2% ज्यादा देनी है। अगर कोई बंदा 50 दे रहा है तो उसे 52 देनी होगी अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अगर कोई 10 दे रहा है तो उसे 12% देनी होगी। बेसिकली ये इसका मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड होगा उसे एक फर्दर ड्यूटी देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4 है कि हायर और लोअर रेट ऑफ ड्यूटी, आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो चुकी है। ये कहता है सेक्शन, सब सेक्शन 4 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी हायर या लोअर रेट ड्यूटी जो है वो नोटिफिकेशन में नोटिफाई करके कलेक्ट करना शुरू कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे लेवी कर सकती है कोई भी रेट ऑफ हायर या लोअर रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक? आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको इसका खुलासा पहले बता चुका हूं जी। अब ये एक सेक्शन है वो कहता है सब सेक्शन 5 कि ये जो आपके सामने डिस्प्ले होगा इसे एक रीडिंग दे देते हैं। अच्छा जी, ये मुझसे पूछा जा रहा है रिपीट करने के बारे में पिछले सेक्शन को। पिछले सेक्शन में मैंने आपको ये बताया है
मैं दोबारा स्लाइड ले चलता हूं इधर। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा भी कर सकती है, लोअर भी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15% ड्यूटी है तो फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उसको 16% भी कर सकती है, 17% भी कर सकती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो 15% को 10% भी कर सकती है, 2% भी ड्यूटी को कर सकती है। ये इस सेक्शन का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। आगे चलते हैं, अब आ जाता है कि ड्यूटी कैसे कलेक्ट करनी है, उसको लायबिलिटी तो बनाना है ना किसी की। जी लायबिलिटी किसकी होगी ड्यूटी पे करना? लायबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर। यहां एक प्रोड्यूसर्स मैंने लिख दिया है, ये प्रोड्यूसर है, इसके लिए थोड़ी सी माजत चाहूंगा, एक क्लरिकल मिस्टेक है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। दोबारा सबसेक्शन 5 को पढ़ते हैं कि लायबिलिटी किसकी होगी। लायबिलिटी होगी सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी कलेक्ट करना या पे करना, मैन्युफैक्चरर की होगी, प्रोड्यूसर की होगी और इंपोर्टर की होगी। मैं इसे थोड़ा एक दफा आपकी सहूलत के लिए पढ़ देता हूं। द लायबिलिटी टू पे ड्यूटी शैल बी, जो लायबिलिटी होगी ड्यूटी पे करने की वो मैन्युफैक्चरर की होगी, प्रोड्यूसर की होगी जो पाकिस्तान में गुड्स बना रहा है। अगर कोई पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ड्यूटी जो है वो पे करे। अच्छा, अगर वो सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ड्यूटी पे करे। अगर वो नॉन टैरिफ एरियाज में गुड प्रोड्यूस हुए हैं और टैरिफ एरियाज में लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर नॉन टैरिफ एरियाज में कोई गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं और उन्हें आप टैरिफ एरियाज में लेके आ रहे हैं, तो जो बंदा लेके आ रहा है उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो जो है उन गुड्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देगा। अब बिल्कुल, अब इसकी एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है कि गुड्स और सर्विसेज के मतलब वही हैं जो कस्टम्स एक्ट में हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा कह देता हूं कि जो लाइबिलिटी होगी ड्यूटी पे करने की वो होगी जनाब जी इसकी गुड्स को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में। अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो देगा उसकी ड्यूटी। अगर कोई नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में गुड्स लेके आ रहा है तो जो लेके आ रहा है उससे ड्यूटी देनी होगी, ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक, आई होप इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, तकरीबन हमारा सेक्शन 3 खत्म है और अब शुरू होता है सेक्शन 4। जी ये ड्यूटी जो है चूंकि सेल्स टैक्स मोड में पे होगी तो ये रिटर्न में अकाउंट फॉर होगी। हर महीने ये ड्यूटी आपने जिस महीने आपने एक्साइजेबल सर्विसेज करनी है, एक्साइजेबल गुड्स जो है वो आपने सेल आउट करने हैं या परचेज करने हैं, जो भी सिचुएशन है, आपने हर महीने रजिस्टर्ड पर्सन ने ये फर्निश करनी है ड्यू डेट को। ड्यू डेट ऑलरेडी डिफाइंड है और ये ड्यू डेट वही है जो सेल्स टैक्स रिटर्न की होगी। अलबत्ता इसमें जो है गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है कि आपने किस मौके पे किस तरह से अकाउंट फॉर करना है और कैसे करना है। अलबत्ता फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी हर महीने रजिस्टर्ड पर्सन ने करनी है, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक, आगे चलते हैं। जी ये ड्यूटी डिपॉजिट करनी है, ड्यूटी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। ये ड्यूटी जो डिपॉजिट करनी है ये किसी बैंक में करनी है आप लोगों ने, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केस में नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस हैं उनमें ही ये ड्यूटी पे की जाती है। हर बैंक ब्रांच में ये ड्यूटी पे नहीं होती, और नॉर्मली ये ड्यूटी हमेशा 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 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसमें पे की जाती है। मगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बैंक को ये इसका एक्सक्लूसिव जो है अथॉरिटी दे सकती है। मैं दोबारा इसको एक दफा पढ़ता हूँ। ड्यूटी ड्यू फॉर द ड्यूटीएबल सप्लाइज मेड और सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग अ मंथ शैल बी डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी ड्यूटी ड्यू है या ड्यूटीएबल सप्लाइज के ऊपर ड्यूटी बनती है वो डिपॉजिट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन
डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ द बैंक में, डेजिग्नेटेड में से हाईलाइट कर देता हूं, आपने हर ब्रांच में लेके नहीं चलाया ना, डिपॉजिट करना है रजिस्टर्ड पर्सन ने, हाईलाइट हो गया, डेजिग्नेटेड को मैं नीचे से शो कर रहा हूं। बिल्कुल जी, आपके सामने डिस्प्ले हो गया ये कि ये डेजिग्नेटेड ब्रांच में दिया जाना है। उसके बाद आगे इधर लिखा है कि अगर बोर्ड चाहे तो कोई भी और मैनर स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक, बहुत आसान है, आगे चलते हैं। थोड़ा एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, इसे देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आपके सामने डिस्प्ले हो गया होगा। डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी क्या है ये हम लोग देख चुके हैं, आगे चलते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 4 का ओमिट हो चुका है, तो जिस तरह रिवाइज रिटर्न है उसी तरह रिवाइज्ड जो है आपने, इसकी भी वही प्रोसीजर है जो सेल्स टैक्स रिटर्न का है। अ रजिस्टर्ड पर्सन में सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इन द रेवेन्यू ऑफ द फेडरल एक्साइज Having jurisdiction file a revised return within 120 days of the filing of return and under subsection 1 to correct any omission or wrong declaration made therein. 120 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कोई गलत declaration कर दी अपने sales tax return में, तो आप उसे commissioner के approval के through आप उसको जो है revise कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पावर ऑफ बोर्ड बता दी गई है, और अच्छा ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी है। बोर्ड ये कहता है द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पाकिस्तान छपता है पूरे साल में, जिसमें तमाम एक्टिविटीज गवर्नमेंट की डिक्लेयर होती हैं। ये क्लॉज, ये बेसिकली सबसेक्शन 5 कहता है कि बोर्ड जब चाहे किसी को भी कह सकता है कि आपने जो इंपोर्ट्स किए हैं, परचेजेस किए हैं, कोई कंजम्पशन किए हैं, कोई प्रोडक्शन किए हैं, कोई सेल्स किए हैं, कोई डिस्पोजल किया है किसी भी महीने में या किसी कुछ महीनों के दौरान, आप उसके ऊपर जो है ये कहता है कलेक्ट करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और यहाँ इसको एक लफ्ज को मैंने पहले बताया था mutatis mutandis, ये आ गया आपके सामने। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो पहले बता दिया गया है उसी तरह ही होगा। म्यूटेटिस मतलब ये है कि अगर ये एक कंडीशन के लिए ठीक है तो ये दूसरी कंडीशन के लिए भी उतना ही ठीक है। अगर ये एक चीज पे लग रहा है फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज हो रही है, तो उस जैसी सिमिलर सिचुएशन में उसके ऊपर भी इम्पोज होगी। ठीक, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल, इसमें बताया गया है कि बोर्ड कोई भी प्रोसीजर बता सकता है और ये भी बता सकता है कि आपने किस तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी को डिपॉजिट करना है। ये नटशेल में है सबसेक्शन 6 और 7। बिल्कुल, अब इसमें ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट बेसिक बोर्ड इंटीमेट कर रहा है टू द रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन, लॉ की एक रूलिंग है कि बोर्ड चाहे तो एक कंपोजिट रिटर्न प्रेस्क्राइब कर सकता है।
मैं पहले भी रिपीट कर रहा हूँ और दोबारा रिपीट कर दूंगा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए कोई स्पेशल रिटर्न नहीं होती। फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसी तरह कलेक्ट होती है जिस तरह सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अकाउंट फॉर भी सेल्स टैक्स एक्ट के तहत सेल्स टैक्स की रिटर्न में होता है, इसलिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज ऑलवेज कलेक्टेड इन सेल्स टैक्स मोड। बिल्कुल, ये हमारा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। मैं एक मिनट के लिए आपकी स्क्रीन डिसकंटिन्यू करूंगा। ये अभी आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। जिस तरह सेल्स टैक्स में जीरो रेटिंग था, उसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी जीरो रेटिंग है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा 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 सेल्स टैक्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, मगर ज्यादा बेहतर तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आप लोग इसे समझेंगे। और सिर्फ आपकी समझने के लिए, ये जीरो रेटेड तो ये है कि जो भी ड्यूटी लगनी थी वो चार्ज होगी जीरो रेट के ऊपर। एक तो होती है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब सिरे से लगना ही नहीं है, ठीक है, वो उसके परव्यू में फॉल ही नहीं करता। जीरो रेट का मतलब होता है कि उसके ऊपर चार्ज तो 0% होगा, मगर जीरो रेट रखने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई अमाउंट आए और उसकी कोई एडजस्टमेंट हो। ठीक, अब जैसे जीरो रेटेड सेक्टर, अगर मैं एक दफा आपको सेल्स टैक्स में बताऊं, जीरो रेट सेल्स टैक्स में ये होता है कि आपका टैक्स कट जाता है, आगे आपने किसी से नहीं लेना होता। ठीक, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जीरो सेक्टर में फॉल करती हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने अगर किसी से माल खरीदा तो आपका टैक्स पहले कट जाता है। अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप किसी और से तो टैक्स वो नहीं लेंगे। आप जो है, अगर कोई बायर अमेरिकन है, अमेरिका में बाय कर रहा है आपकी एक्सपोर्ट, तो उसका टैक्स आप नहीं काटेंगे सेल्स टैक्स में, ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो इस वजह से जीरो रेट आता है और उसके अगेंस्ट रिफंड भी मिलता है। सिमिलरली फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जीरो रेटिंग भी है कि हो सकता है आपका एक जो है ड्यूटी आपने पे करनी थी उसको आपने डेफर करवा लिया। ठीक, अच्छा जी, एज पर लॉ, ये लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जीरो रेटिंग होती है। अब चूंकि हमारा टॉपिक है जीरो रेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब आप वापस ले सकते हैं। अगर आपने कोई ड्यूटी पहले से दी हुई है, तो आप वापस ले सकते हैं इसको। एक दफा ना ड्यूटी ड्रॉबैक को हम लीगली के बजाय इसको हम समझते हैं कि ये लिटरल सेंस में क्या है, आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जनरली ड्रॉबैक क्या हो सकता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं इसे लेके। जी, अब देखते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक बेसिकली एक रिबेट ऑफ द ड्यूटी होता है। रिबेट क्या होता है, एक अमाउंट आपको थोड़ी देनी होती है। अगर आपने 5 दी है तो आपको देनी पड़ती है, देनी थी अगर आपने 5 देनी थी तो आपको 2 देनी पड़ती है। और ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है, मैं एक दफा पढ़ देता हूं कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज द रिबेट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड इज एक्सपोर्टेड। बेसिकली जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करके बाहर दोबारा बेचने हैं, एक्सपोर्ट कर देने हैं, उन पे जो ड्यूटी होगी उस पे आपको एक रिबेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वो ड्यूटी पे कर दी है तो आपको उसका ड्रॉबैक या रिफंड वापस मिलेगा एक्साइज डिपार्टमेंट से या कस्टम डिपार्टमेंट में। ठीक, और ये वो ड्यूटीज हैं जो आपने पे कर चुके हैं अपने सप्लायर्स को प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है जी, जी बिल्कुल, ये DDRE पूछ रहे हैं, ये ड्यूटी ड्रॉबैक रिबेट है बिल्कुल। और ड्यूटी ड्रॉबैक रिबेट्स एक्सक्लूसिवली कस्टम्स एक्ट में भी डिफाइंड है
थोड़ा सा सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो डिफाइंड है। यहाँ इसका मतलब यही है, यहाँ इसका मतलब यही है कि ये एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने कोई गुड मैन्युफैक्चर किया है और आपने उसके ऊपर कोई ड्यूटी दी है, या आपने एक्सपोर्ट के लिए कोई मटेरियल मंगवाया, पहले इम्पोर्ट किया उसके बाद उस पे इम्पोर्ट की सेस पे ड्यूटी कटी, उसके बाद आपने दोबारा उस ड्यूटी पे करने के बाद कोई चीज मैन्युफैक्चर की और उसे बाहर इम्पोर्ट कर दिया, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया, अगर आपने कोई चीज बाहर से मंगवाई या उधर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने कोई ड्यूटी पे की और आप उसे फॉरेन एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस पे आपको ड्रॉबैक या ड्यूटी उसे कहेंगे और ये आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ड्रॉबैक को दोबारा इन्होंने पूछ रखा है किसे रिपीट कर दें। ड्रॉबैक बेसिकली क्या है, ये एक रिबेट है, ये एक रिबेट है। ड्रॉबैक बेसिकली एक अमाउंट आपने ज्यादा अगर देनी थी तो आपने पहले कम दी और कम देने के बाद आपने उस पर एक्सपोर्ट भी की तो वो आपको रिफंड हो सकती है, पूरी की पूरी ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे सेल्स टैक्स में है कि आपका इनपुट तो पहले कटा होता है, आउटपुट किसी और से आप ले नहीं सकते और वो इनपुट आपको रिफंड हो जाता है। ये भी सिमिलर प्रोसीजर है, ये एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्टर्स के लिए है या वो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें मंगवाते हैं और फिर दोबारा इसे बाहर भेज देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। मेरे पास एक सिमिलर केस ऐसा आया था, द पार्टी इम्पोर्ट्स कारपेट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसीजर करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर करने के बाद जो है पार्टी उसे एक्सपोर्ट कर देती है, अगर उस पर कोई ड्यूटी कटी होगी तो वो ड्यूटी आपको वापस रिफंड हो जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें कहता है कि अगर कोई प्रोविजंस सेक्शन 3 की प्रोविजंस को कहता है कि नॉट विदस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान और सच गुड्स एज मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी चार्ज्ड टू ड्यूटी एट द रेट ऑफ 0% एंड एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 शैल बी एडमिसिबल ऑन सच गुड्स। सेक्शन 6 में एडजस्टमेंट का तरीकाकार बताया गया है, हम वो भी देखेंगे आज। ये कहता है कि ये सेक्शन कहता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं या वो गुड्स जो नॉमिनेट कर दिए गए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उनको अपने 0 रेट के ऊपर या 0% के ऊपर चार्ज करना है उस पर ड्यूटी, और उस पर आपको एडजस्टमेंट जो मिलेगी वो सेक्शन 6 के तहत मिलेगी। अच्छा, लॉ के अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लॉ जो बना रहे होते हैं ना, ये समझे लॉ इंसान ही बनाते हैं, ठीक, ये ऐसे नहीं होता कि किताबों ने खुद ही किसी चीज को समझा, किसी इशू को किताबों ने समझा, किसी चीज को हालात ने समझा और एक कानून निकाल दिया। आज भी जब हमारी बात हो रही थी, वी वर इन द मीटिंग, वी वर जस्ट डिस्कसिंग फर्दर टैक्स एंड द मेंबर आईआर ऑपरेशंस एज वेल एज द मिनिस्टर एंड द हाईएस्ट जो एडवाइजर्स हैं इसके, हमारे लॉ के और जो कमिश्नर्स चीफ कमिश्नर्स हैं, दे वर डिस्कसिंग टू इशूज एंड दे वर सेइंग ओके वी हैव दिस एंड वी विल ब्रिंग अ चेंज इन द लॉ। ये एक दो लूप होल्स रह गए हैं, मजीद लूप होल्स हमने दूर करनी है। तो यहाँ तो आपको प्लेन रीडिंग नजर आ रही है, मगर इसके बैक एंड पे होता ये है कि ये कोई ना कोई बंदा इस तरह का लॉ सोच के बैठा होता है और वो लॉ उसको एग्जीक्यूट करता है, देखते हुए पूरी की पूरी लॉ की हिस्ट्री, इंटेंशन लॉ की उसके बाद। और फिर ये होता है क्योंकि ये इम्पर्सनल है, लॉ जो है वो समझ लें इंसान से हटके, आपके ऊपर जितने भी बिलीफ का जो है इस्लाम के तौर पे हैं, बीइंग ए मुस्लिम के तौर पे, बीइंग अनदर रिलीजन के, अगर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी बिलीफ आपके ऊपर है तो बिलीफ तो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन तो आप हैं। इसी तरह ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन पे अगर होगी, चाहे 0% की है या एडजस्टमेंट की, ये बनाने के लिए पीछे एक माइंड बैठा हुआ है, वो माइंड जो है वो लॉ लिखता है, लॉ इटसेल्फ, वो माइंड इटसेल्फ कोई लॉ नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बनी हुई वर्किंग होती है ये इंसानों की बनी होती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है कि आज के दिनों में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एडजस्टमेंट अलाउड हो, कुछ अरसे बाद अलाउड ना हो।
इसके अलावा ये भी इम्कान है कि अगर कुछ अरसा पहले कोई ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं थी तो आप लेटेस्ट ड्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, काफी डिटेल में हो गया है। अब जी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स आपके सामने आ गया है। इसमें ये है कि बेसिकली ये बताया गया है कि जब बोर्ड है वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में, और आपको ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी जो आपने पे की हुई है उस पे एक रिबेट दे सकता है, या आपको ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी अलाउ कर सकता है। जो भी गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन पाकिस्तान एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान। फिर वही बात कर रहा है कि अगर कोई गुड्स बने हैं या एक्सपोर्ट हुए हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको अलाउ की जा सकती है। और इसमें एक किस्म की सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि बोर्ड चाहे तो कोई भी रेट उसका सबमिट कर सकता है, कोई भी रेट उसका अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल आपके सामने डिस्प्लेड है, ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी ड्रॉबैक है, रिफंड है, एडजस्टमेंट है, वो अगर एक्सपोर्ट पे अलाउड है तो उसको रोका जा सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द सबसेक्शंस 1 एंड 2 द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक रिफंड। प्रोहिबिट मतलब रोक सकता है, प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी अपॉन द एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स और एनी स्पेसिफाइड गुड्स। ये मैं आपको बता रहा था पहले भी कि कोई भी गुड है, उस गुड्स हैं या कोई भी ऐसा एसेबल सर्विसेज हैं, अगर बोर्ड चाहे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके उनके ऊपर किसी किस्म की जो ड्यूटी का एडजस्टमेंट है, ड्रॉबैक है, रिफंड है, वो आपको जो है प्रोहिबिट कर सकता है। इसका एक और मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि आपको डिस अलाउ कर सकता है आपको ड्रॉबैक या रिफंड या एडजस्टमेंट। आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया है लेक्चर, मैं एक और लेक्चर बिगिन करता हूँ सिमिलर। बिल्कुल आज का बहुत बहुत आपको इजी लगेगा इंशाल्लाह। सेक्शन 6 बिगिन करते हैं, ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे और ये आपने इसका मतलब ऐसे ही लेना है। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, अगर इसमें कोई चीज कहीं पूछूंगा तो जरूर पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस क्योंकि आपने इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं की और जब आप फील्ड में आएंगे तभी से देखेंगे, मगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस हद तक समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको इसी हद तक समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इसको ऐसे ही समझें जैसे सेल्स टैक्स का एक सेक्शन 8B था और 8A, जिसमें हमें कहा गया था कि ये एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, ये एडजस्टमेंट अलाउड है। सेम आपने यही समझना है कि ये एडजस्टमेंट उसमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट थी, इसमें ड्यूटी की एडजस्टमेंट है। ठीक, तो थोड़ा चूंकि सेल्स टैक्स की निस्बत इसकी एप्लीकेशन जो है नैरो है, मैं फिर बता रहा हूँ नैरो है, तो इस वजह से शायद चूंकि लोगों की प्रैक्टिस में ये लॉ फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नहीं होता ज्यादा, इस वजह से ये शायद आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे। दोबारा एक दफा बता देता हूं कि चूंकि ये थोड़ी इसकी एप्लीकेशन नैरो है, इस वजह से आप लोगों को शायद जिस्ट बताऊंगा लॉ की इतनी ज्यादा समझ ना लगे अभी, मगर परेशान बिल्कुल नहीं होना क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने सारी जिंदगी सीखना है इंशाल्लाह। आप बल्कि मैं अक्सर रिसोर्स पर्सन से जब हमारी डिस्कशन होती है तो हम ये कह रहे होते हैं कि इट इज समथिंग ऑफ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम आपको ये चीज बता रहे हैं जो कि हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी
opportunity that we come across, we do share it with you as and what in whatever manner we may be allowed to. ठीक, अच्छा ये है कि ये बिगिन कैसे करता है? आपने किसी को ड्यूटी के ऊपर एडजस्टमेंट अलाउ करनी है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स. ये बेसिकली कहता है कि जो आपने ऑलरेडी ड्यूटी पे की होगी फर्स्ट केजुअल के अंदर जो आपके मेंशन होंगे एक्साइजेबल गुड्स और एक्साइजेबल सर्विसेज और आप उन पे इनपुट भी दे चुके हैं वो आपको अलाउ होगी डिडक्ट करने के लिए अगर आपकी कोई पेबल है उसमें से. बिल्कुल दोबारा बताता हूँ सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए लगेगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, एक दफा रीडिंग देता हूँ. डिटरमाइनिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी, आपने नेट लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी जो है वो डिटरमिन करनी है. द ड्यूटी ऑलरेडी पेड ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल एंड यूज डायरेक्टली एज इनपुट गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेटेड ऑन सच गुड्स. आपने सिंपल एक काम करना है, आपने अगर कोई ड्यूटी पे कर दी है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं उस ड्यूटी के अगेंस्ट जो पेबल है. इंतहाई आसान अल्फाज में इसका पूरा मतलब यही है कि अगर आपने कोई ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी है तो आप उसे पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं बस. ठीक, इससे ज्यादा इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह. जब अल्लाह के हुक्म से आप होंगे और इसमें आप काम कर रहे होंगे तो यू विल लर्न कि ये लॉ की जो एप्लीकेशन है वो एज पर लॉ तो ठीक है, ये बाकी इसके अंदर जो प्रैक्टिकल विजडम इन्वॉल्व्ड है सेल्स टैक्स इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज में दैट इज ऑलवेज गोइंग टू कॉल द शॉट्स. जो प्रैक्टिकल विजडम है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दैट विल सुपरसीड एनी अदर थिंग दैट यू मे लर्न हियर. ये एक सच्ची बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. दो दिन में तीन हफ्तों में तीन माह में कोई बंदा एक्सपर्ट एक लॉ का नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी चाहिए होगी. चलें बहुत दोबारा इसको बता देता हूँ. अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपने कोई ड्यूटी पे करती है किसी गुड के ऊपर, ठीक है, तब आपको उसकी एडजस्टमेंट की आपको अलाउ होगी. अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपने कोई ड्यूटी पे करती है, ठीक है, तब आपको उसकी एडजस्टमेंट अलाउ होगी, वरना आपको अलाउ नहीं होगी. बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा डिटेल्ड में लिखा है सबसेक्शन 2. इसमें यही है कि अगर आपकी पेमेंट जो है वो वैलिड होगी और पेमेंट वेरीफाइबल होगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई भी होगी या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हुई होगी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट अलाउ होगी. ठीक है, दोबारा आगे चलते हैं इसमें सेक्शन. इसका बेसिकली आगे इसमें यह है कि जो डेट स्पेसिफाई होगी फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एडमिसिबल ओनली इफ द सप्लायर ऑफ इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज हैव डिक्लेयर्ड सच supply in his return and he has paid amount of tax too as indicated in his return. बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है कि अगर सप्लायर ने अपने टैक्स पे कर दिए हैं और वो उसने कहते हैं ड्यू डेट पे दे दिया है और उसकी रिटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी उसको ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा या ड्यूटी की एडजस्टमेंट मिलेगी. अगर जो सप्लायर है उसने टैक्स पे कर दिया है, सेल्स टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, तभी उसको ड्यूटी की एडजस्टमेंट मिलेगी वरना उसे नहीं मिलेगी. मतलब आपने ये समझना है कि उसे सेल्स टैक्स में भी आपने वॉचफुली देखना है कि इसने सेल्स टैक्स में पेमेंट की है या नहीं की. अगर इसने सेल्स टैक्स में पेमेंट नहीं की तो उसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी. तो पहले ही उसने कंडीशन ये रखती है कि आप लोग ये देखें कि भाई अगर आपने पहले ड्यूटी एडजस्ट करवानी है तो आपको सेल्स टैक्स पे करना है. अगर आपने सेल्स टैक्स पे नहीं किया तो आप ड्यूटी की एडजस्टमेंट नहीं ले सकेंगे. अच्छा, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में कि बोर्ड अगर चाहे तो आपको एडजस्टमेंट कुछ खास
सर्विसेज या क्लास ऑफ सर्विसेज पे एडजस्टमेंट डिस अलाउ कर सकता है, ठीक है, या उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। ये खत्म हो गया हमारा सेक्शन 5, अब हम सेक्शन 6 खत्म हो गया, अब हम आते हैं कोर मेजर सेक्शन के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपके सामने ये सेक्शन डिस्प्ले हो गया है। जी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होगी। अब सब सेक्शन, ये सेक्शन 7 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है उसकी कौन कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी, बहुत सिंपल है, देखते हैं इसे। एक दफा इसकी रीडिंग आप लोग सब कर लें, फिर मैं इसको दोबारा एक दफा दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि समझाने का मकसद यही है कि आप लोग इंशाल्लाह इसमें हैंड्स ऑन हो जाएं। इन केस ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड स्केड्यूल और सच सर्विसेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक, ये कहता है कि कुछ गुड्स जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हुए हैं या सर्विसेज, बोर्ड एक नोटिफिकेशन कर सकता है कि जो ड्यूटी पे होगी वो सेल्स टैक्स मोड में होगी। आगे कहता है वेयर बाय, वेयर बाय आगे, जिसके मुताबिक जो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या कोई सर्विसेज दे रहा है, आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो गई है, ठीक, सेकंड शेड्यूल के आइटम्स के ऊपर बात कर रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है या कोई प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंटाइटल होगा कि वो इनपुट टैक्स पेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पीरियड। बेसिकली ये कह रहा है कि जिस टैक्स पीरियड से पर्टेन करता होगा सेल्स टैक्स वो भी पे करेगा और जिस उसी टैक्स पीरियड से पर्टेनिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो भी पे करेगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूस कर रहा है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सेल्स टैक्स देगा तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देने का मजाज है। और ये वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीरियड से देगा, मतलब आपने ये देखा है ना कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर वो दे रहा है तो ये नहीं कर सकता कि भाई उसने सेल्स टैक्स दिया है महीना मई के मंथ के लिए और वो जनाब जी एक्साइजेबल ड्यूटी जो उसने पे की हुई है वो जनवरी की, उसको अकाउंट फॉर कर रहा है, ये मिसमैच नहीं चलेगा। सेल्स टैक्स मई का है, मई के अंदर फेडरल एक्साइज लगनी है, मई के मंथ के अंदर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा और उसे अपनी रिटर्न में अकाउंट फॉर करेगा, तभी जाके उसकी एडजस्टमेंट ले सकेगा, वरना एडजस्टमेंट नहीं ले सकेगा। बिल्कुल, डिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन एक्साइज आपके सामने विजिबल हो गया है, इसने इसका मेथड बताया है कि अगर वो आउटपुट टैक्स है उसमें से अपनी, अगर उसने कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी अपने इनपुट पे दी है, अगर उसने कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी अपने इनपुट पे दी है तो उसे आउटपुट से डिडक्ट कर सकेगा, एडजस्टमेंट अपनी जो भी होगी आउटपुट टैक्स से उसे कर सकेगा। बिल्कुल क्लियर है, अगर उसने पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी दी है तो बाद में अगर उसकी कोई पेबल की एडजस्टमेंट है तो आउटपुट टैक्स से कर सकेगा। और इसमें पीरियड स्पेसिफिकेशन नहीं भूलनी, ये नहीं हो सकता कि जनवरी की वो जो है वो दिसंबर में ले ले, दिसंबर की जो है वो कहते हैं नवंबर में ले ले, ये बिल्कुल रूल अलाउ नहीं करते, लॉ अलाउ नहीं करता। आगे चलते हैं। बिल्कुल,
फिर वही बात कर रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उनको पे करेगा उन्हीं मंथ्स में जिन मंथ्स में उन्होंने वो फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी की होगी, उसके अलावा वो उसे नहीं कर सकता। ठीक, फिर दोबारा उसको बेसिकली तकरीबन लॉ कोशिश करता है कि एक नहीं तीन नहीं चार लूप होल्स में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सिस्ट करती है जहां कोई आपकी क्लैरिटी नहीं होती, जहां क्लैरिटी आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, तो लॉ उसे तीन या चार मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करके क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करता है। तो अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ड्यूटी ऑफ एक्साइज पेड और पेएबल ऑन सच गुड्स और सर्विसेज एज आर रिक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग अ मंथ। जिस महीने में उसने पे करनी है उसी महीने में पे करेगा और वो एडजस्टमेंट लेगा उन गुड्स के अगेंस्ट या उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसने प्रोवाइड की हैं उसी महीने के दौरान। सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट मंथ मंथ जिस जिस महीने में उसने अपनी सर्विसेज या गुड्स एक्साइजेबल किए हैं, मैन्युफैक्चर और आगे सेल किए हैं, उन्हीं के अगेंस्ट वो एडजस्टमेंट ले सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको एक दफा रीडिंग दे देते हैं। आप ये समझें कि इन दोनों सब सेक्शन टू जो है वो एक अडेप्टेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है कि आप समझें कि जो सेल्स टैक्स में जो चीजें चल रही हैं वही समझें फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी चल रही हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसने आप समझें कि इट्स अ नटशेल, इसने पूरे के पूरे फेडरल एक्साइज ड्यूटी को एक कूजे में बंद करके रख दिया, दरिया को कूजे में बंद करके रख दिया। ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करेगा डिक्लेयर दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ एनी एग्जम्पशन फ्रॉम सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन बुक कीपिंग एंड इनवाइसिंग रिक्वायरमेंट्स रिटर्न्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अपील्स एंड रिकवरी ऑफ एरियर शेल विद सच मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन एज इट मे कंसिडर नेसेसरी और डिजायरेबल टू अडॉप्ट देम टू बी टू द सर्कमस्टेंसेस बी एप्लीकेबल इन रिगार्ड टू लाइक मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्यूटी लेवीएबल अंडर दिस एक्ट। बहुत ब्रॉड, अगर उसने उसको कोई जीरो रेटिंग देनी है सेल्स टैक्स के तहत तो समझे उसे फेडरल एक्साइज में भी देनी है, अगर उसे कोई रिटर्न देनी है तो रिटर्न के उसे फेडरल एक्साइज में भी देनी है, अगर उसने कोई पेनल्टी उसको लगानी है तो इधर भी उसको ऐसी लगेगी जैसे सेल्स टैक्स में लगती है, अगर उसने कोई अपील की है तो उधर भी उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में होगा, जिस तरह सेल्स टैक्स में होगा वैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी में होगा, अगर कोई रिकवरी एरियर की है तो यहाँ फेडरल एक्साइज में भी ऐसे ही होगा जिस तरह सेल्स टैक्स में हुआ करता है। अब एक एक्सप्लेनेशन है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है उसका मतलब वही होगा, ठीक है, जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर होता है, और टैक्स पीरियड का भी मतलब वही होगा जो सेल्स टैक्स एक्ट ऑफ 1990 में हुआ करता है। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत आसान है। मैं आपके दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है और टैक्स पीरियड जो सेल्स टैक्स में इनका मतलब है वही इनका मतलब जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी है। जी, हमारा ये सेक्शन 7 भी खत्म हो गया। अब मैं इसके बाकी सेक्शन को स्टार्ट करता हूं और जी अभी सेक्शन 9 जो है ये समझ लें ऐसे ही है जैसे आपने रिकवरी के अंदर कोई लाइबिलिटी किसी की बनानी होती है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सेल्स टैक्स का सेक्शन 11 है कि आपने लाइबिलिटी बतानी है, अगर उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसे बताना है, अगर कोई उसकी डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को मेंशन करना है, अगर उसका कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को आपने मेंशन करना है।
लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस एंटरप्राइज और इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस ओनरशिप, बिल्कुल क्लियर है अपने लिहाज से, आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो गई होगी। जी, एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है और ये बिल्कुल मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को वर्डिंग की वजह से लेंथी लगेगा मगर ये बहुत आसान है। कुछ केसेस, स्पेसिफिक केसेस में उसने कहा है कि लाइबिलिटी पेमेंट करने की किसकी होगी, प्राइवेट कंपनी है वो क्लोज्ड हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है, खत्म हो गई है, अपनी लिक्विडेशन अभी उसकी हुई नहीं थी, अभी उसका बिजनेस चल रहा था, अगर वो कंपनी से रिकवर नहीं हो सकती, अगर एक कंपनी है उसका बिजनेस खत्म हो गया है, क्लोज हो गया है, वो कंपनी खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है और उसकी लिक्विडेशन या तो हुई है या नहीं हुई, उससे कोई रिकवरी नहीं हो पा रही, तो जो उसका ओनर था, उसका पार्टनर था, डायरेक्टर था, कंपनी थी, बिजनेस एंटरप्राइज था, जो भी था, वो सारे के सारे फुली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है जिस तरह हमने सेल्स टैक्स एक्ट में पढ़ा था। एक बहुत ब्रॉड इस तरह की एक प्रोविजन बिल्कुल सेक्शन जो है 139 में भी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसमें डायरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली नॉमिनेटेड हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये सारे के सारे उसमें नॉमिनेटेड हैं। यहां भी वही है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी को बिजनेस अपना एकदम बंद कर देती है या कोई बिजनेस एंटरप्राइज वो बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है और उससे कोई रिकवरी पेंडिंग है, तो जनाब जो बिजनेस एंटरप्राइज में जो बंदा ओनर था, पार्टनर था, डायरेक्टर था, कंपनी का बिजनेस जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, बिजनेस एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल होगी, वो सारे बंदे जो इधर मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे उस रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनसे रिकवरी की जा सकती है। ठीक, बहुत आसान, आगे चलते हैं। अगर उसने कोई सेल की है, अगर उसने कोई ट्रांसफर किया है और उसकी कोई ड्यूटी पेबल थी और उसने ड्यूटी पे नहीं की, तो उसके एसेट्स के ऊपर वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे ट्रांसफरी ट्रांसफरी मतलब अगर फर्ज करें आपके बिजनेस के ऊपर कोई चार्ज आया है और आपने एसेट्स वगैरह बेच डाले हैं और आपके ऊपर अब नहीं होगा, जिसको बिजनेस एसेट ट्रांसफर होगा, उसको वो अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जब तक ड्यूटी पेबल नहीं होगी, जो ड्यूटी आपने पे करनी थी, जब तक आप उस ड्यूटी को पे नहीं कर देते, उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दोबारा बता देता हूं, बहुत आसान अल्फाज, लॉ बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर किसी किस्म की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो जहां ट्रांसफर हुई है उसे ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर उसने ड्यूटी नहीं दी तो उसको एसेट की ट्रांसफर भी उसकी एक किस्म की उस जो है वो इफेक्ट नहीं लेगी, उससे ड्यूटी लेगी हम उसको एसेट उसके हवाले करेंगे वरना नहीं देंगे। ठीक, आगे चलते हैं, वेरी सिंपल। बहुत ही स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही है कि अगर बिजनेस एंटरप्राइज ने अपने आप को बंद करना है वो बंद तो करे, मगर उसने बिजनेस के एसेट्स तभी सेल आउट कर सकता है अगर उसकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेता कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, अगर मेरा कोई पेबल है तो उसे कोई एनओसी नहीं मिलेगी। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में एसेट्स डाले, अब आपकी कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो आपने पे नहीं की, जब तक आप उसे पे नहीं कर देंगे आपको एनओसी नहीं मिलेगा कि आप इस एसेट को बेच दें, वरना आपको उसकी अलाउड आपको नहीं होगी। अगर आपने एसेट बेच दिया एनओसी लिए बगैर और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं पे की, तो आपसे उस एसेट के ऊपर चार्ज लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आगे चलते हैं।
अगर वो कोई बिजनेस खत्म कर देता है और उसने ड्यूटी पे नहीं की, तो ये समझा जाएगा कि बिजनेस सिरे से खत्म ही नहीं हुआ। वेरी सिंपल, वो कोई टर्मिनेशन अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता अगर उसने चार्ज या ड्यूटी जो है उसने पे नहीं की। वेरी सिंपल, अगर आपने कोई बिजनेस अपना टर्मिनेट कर दिया, आप कहते हैं नहीं मैं तो खत्म करके जा रहा हूं, और आपने ड्यूटी नहीं पे की, तो समझा जाएगा कि बिजनेस खत्म ही नहीं हुआ सिरे से। जी, अब इधर एक चीज डिफाइन की गई है सेक्शन 10 के अंदर, ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, मगर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या आपको सब कुछ समझ आ रही है, तो या आपको लेक्चर बहुत बोरिंग लग रहा है, शायद मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मगर चूंकि ये वही चीज है जो सेल्स टैक्स की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे रिसोर्स पर्सन के तहत, तो इसमें देख लेते हैं। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज सून एज पॉसिबल एक्सपीडाइट कर लें। बिल्कुल जी, द वैल्यू एंड द रेट ऑफ ड्यूर ड्यूटी एप्लीकेबल टू एनी गुड और सर्विसेज शैल बी द वैल्यू, जो भी आपने गुड्स प्रोवाइड किए हैं या सर्विसेज आपने दी हैं, उसकी जो वैल्यू होगी और उस पर जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा एप्लीकेबल, वो क्या होगा? वैल्यू होगी, रिटेल प्राइस होगी, टैरिफ वैल्यू होगी, एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इन्फोर्स। ठीक, आपने कोई भी अपना गुड बेचा है, उसकी एक वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल ड्यूटी होगी, वो क्या होगी जनाब आपकी? वो होगी जनाब जी वैल्यू होगी, उसकी रिटेल प्राइस होगी, टैरिफ वैल्यू होगी, एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इन्फोर्स। ठीक, सबसे पहले वो बता रहा है आपको कि एप्लीकेबल वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है। उसने इनको बताने के बाद बताता है कि इन केस ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑन व्हिच द गुड्स आर सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट और फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने जिस दिन भी कोई सप्लाई की है घर के कंजम्पशन के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, तो उस दिन की जो वैल्यू या रिटेल प्राइस या टैरिफ वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो है रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई होगा। ठीक, अगर आपके पास कोई भी गुड्स घर में पड़े हैं या आपके गोडाउन में पड़े हैं, जिस दिन आप उसे सप्लाई करते हैं लोकली या उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस दिन जो वैल्यू होगी या रिटेल प्राइस होगी या टैरिफ वैल्यू होगी, उसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर वो सर्विसेज हैं, तो जिस दिन सर्विसेज आपने प्रोवाइड की होंगी, उस दिन की वैल्यू और उसके ऊपर ड्यूटी। अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन केस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर आउटसाइड एरियाज टू विच द एक्ट हैज नॉट बीन अप्लाइड और ब्रॉट टू सच रेट्स, मतलब ये टैरिफ और नॉन टैरिफ एरियाज के लिए, अगर गुड्स जिस दिन आपके टैरिफ एरिया में लेके आए जाएंगे, उस दिन की वैल्यू और उस दिन की ड्यूटी होगी। ठीक, जी, अब सेक्शन 11 आ जाता है, कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी। अच्छा जी, ये एक सेक्शन है, इसका लब्बे लुबाब मैं आपको ये बताता हूँ। इसका लब्बे लुबाब बिल्कुल सिंपल है, बहुत लंबी नरेशन है। लब्बे लुबाब ये है कि आप मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने कोई ड्यूटी एक्सेस में कलेक्ट कर ली है और उसका इंसिडेंस पास कर दिया है कंज्यूमर को। ठीक, कंज्यूमर को उसका इंसिडेंस पास कर दिया है। अगर उसने कंज्यूमर को इंसिडेंस उसका पास कर दिया है, तो जो भी उसने एक्सेस कलेक्शन की है, वो उसे वापस नहीं मिलनी, किसी भी सूरत में नहीं मिलनी। और अगर दोबारा बता देता हूं कि अगर एक ड्यूटी लगनी थी 10% पे, वो 15% पे लग गई, और 15% का सारा जो इंसिडेंस है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया गया, तो जो एक्सेस अमाउंट में ड्यूटी पेबल जो पेड है, वो वापस किसी भी हालत में नहीं होगी, और आप जो भी लॉ के तहत चाहें उससे वो एक्सेस अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो पास आउट कर दिया उसकी सारी लाइबिलिटी।
तो दोबारा एक दफा पढ़ते, तो एवरी पर्सन हु फॉर एनी रीजन वट एवर हैज कलेक्टेड और कलेक्ट्स एनी ड्यूटी, कोई भी पर्सन अगर कोई ड्यूटी कलेक्ट करता है विच इज नॉट पेबल एज ड्यूटी और विच इज इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी एक्चुअली पेबल, उसने कलेक्ट करनी ही नहीं थी, वो कलेक्ट करके बैठ गया। अगर उसने कलेक्ट करनी थी 10% पे, उसने कर ली जनाब जी 15% पे और उसका इंसिडेंस पास कर दिया है कंज्यूमर को, तो वो जो उसने एक्सेस अमाउंट पे की है, जो उसका इंसिडेंस पास किया है, वो पे करेगा फेडरल गवर्नमेंट को, और जो रिकवरी अगर उसको पे नहीं करेगा तो रिकवरी की तमाम प्रोविजंस उस पे अप्लाई होंगी और उसको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। मतलब ये उसका आपको नॉर्मल रैशनल और प्रैक्टिकल वे ये बताऊं कि प्रैक्टिकली अगर उसने जनाब जी ये कह दिया कि भाई मैंने तो 15 रुपए चार्ज करने थे, मैं तो कंज्यूमर को 25 रुपए चार्ज कर लिए, तो मुझे तो ये 10 रुपए वापस दिया जाए, मैं कंज्यूमर को वापस कर दूंगा दोबारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने 10% पे चार्ज करनी थी और उसने 15 पे चार्ज किया, तो उसे किसी भी हालत में उसको रिफंड नहीं देना होगा, ना उसे रिफंड वापस मिलना है। ठीक, आगे चलते हैं। सेक्शन 12 आ जाता है कि वैल्यू डिटरमिन क्या होगी, कैसे वैल्यू डिटरमिन करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ ड्यूटी। अच्छा जी, ये बिल्कुल कह रहा है क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत चलेगा, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर उसकी कोई वैल्यू है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू की असेसमेंट होगी, ड्यूटी की असेसमेंट भी होगी। अगर किसी अमाउंट की सेल्स टैक्स के मुताबिक कोई वैल्यू है तो ड्यूटी की असेसमेंट सेल्स टैक्स के मुताबिक होगी। मतलब आप ये इसका ले लें कि अगर उसकी सेल्स टैक्स में वैल्यू कोई है तो उसके मुताबिक उसकी असेसमेंट होगी, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव केस में होगा, हर केस में नहीं होगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसको एक दफा पढ़ें। वेयर एनी गुड्स आर लायबल टू ड्यूटी अंडर दिस एक्ट एट अ रेट डिपेंडेंट ऑन देयर वैल्यू, कोई छह ऐसे गुड्स होते हैं जिसके ऊपर जिनके ऊपर उनका रेट डिपेंडेंट होता है। कुछ रेट्स ऐसे होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गुड्स होते हैं, कुछ रेट्स ऐसे होते हैं वो जो कि डिपेंडेंट ऑफ द गुड्स होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स की वैल्यूएशन के मुताबिक उसके ऊपर ड्यूटी डिटरमिन करनी है। थोड़ा आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये बहुत ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू को थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा पर्टेन आपसे नहीं करता, ये फील्ड से रिलेटेड है। क्योंकि ये नोट्स इसमें हैं तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ, आपकी इसमें स्क्रीन में ज्यादा ना आए ताकि आप परेशान ना हो। आप इसको अपना बिल्कुल आपके सामने आके, जिस तरह सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन थी, इस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आपने अगर इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई है तो समझें आपने सेल्स टैक्स एक्ट के तहत कराई है, मतलब सेल्स टैक्स नंबर ही यूज होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कोई सेपरेट नंबर नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछिए तो ये याद रखिएगा कि सेल्स टैक्स नंबर होता है, फेडरल एक्साइज नंबर नहीं होता। एनटीएन होता है, एनटीएन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और इनकम टैक्स में आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पता है कि कंपनी के केस में उसका एनटीएन, एओपी के केस में उसका एनटीएन, इंडिविजुअल के केस में उसका सीएनआईसी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसका एनटीएन भी होता है। एनटीएन तो सारों का हमने प्रीवियस लेगेसी रखी हुई है अभी तक। आई मेट द पर्सन हु डिजाइन दिस सिस्टम इन विच एनटीएन इज हैज रिप्लेस्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब हैज बीन रिप्लेस्ड विद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आ गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरल एक्साइज नंबर का कोई सेपरेट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसी सेपरेट नंबर के तहत कैलकुलेट होती है, तो बिल्कुल मत, उसका जवाब नो होगा, ये सेल्स टैक्स नंबर ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए यूज होता है।
इसका सेक्शन 13 है, उधर जो है सेक्शन 14 है रजिस्ट्रेशन का, तो सिमिलर है, तो बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। बिल्कुल, आपको यही बात मैंने बता दी है। मेयर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एक्साइज पर्पस एंड हिज सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ग्लैरिंगली क्लियर है, बहुत बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कह दिया कि वो सेल्स टैक्स रजिस्टर हो गया है तो समझेंगे कि भाई वो फेडरल एक्साइज में भी रजिस्टर हो गया है। आगे चलते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब इसका ये है कि अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने का मजाज नहीं है तो यही समझा जाएगा कि वो इसमें भी नहीं है। अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के लिए वो रिक्वायर्ड है तो समझा जाएगा कि इसमें भी रजिस्टर होने का के लिए रिक्वायर्ड है। आपने याद होगा जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ाई थी सेल्स टैक्स की, तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में कुछ केवीएट्स, कुछ कंडीशंस हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये है कि वो मैं टैक्सेबल सप्लाइज कर रहा हो, इम्पोर्ट्स कर रहा हो, एक्सपोर्ट्स कर रहा हो। एक वक्त था कि एक्सपोर्ट के लिए सेल्स टैक्स नंबर रिक्वायर्ड नहीं था, मगर अब वो खत्म हो गया है जमाना। अब सेल्स टैक्स नंबर आपको चाहिए एक्सपोर्ट के लिए भी, इम्पोर्ट के लिए तो बिल्कुल मस्ट है। मेरे पास तो डेली बेसिस पे बेतहाशा केसेस आ रहे होते हैं और वो सारे के सारे मैक्सिमम ये कहते हैं कि सर हमने एलसी ओपन कर ली है, हमने माल हमारा पोर्ट पे आया हुआ है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कोई इम्पोर्ट अगर एलसी ओपन करना चाहे तो सेल्स टैक्स नंबर ओपन करने के लिए या लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आपने कोई एलसी, खैर वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने उसमें सेल्स टैक्स अकाउंट जब तक आपका नंबर नहीं होगा आपको वीबॉक अलाउ नहीं होगा। और आप कोई इम्पोर्ट भले आई पड़ी हो इम्पोर्ट की आपके ऊपर, आपकी कराची पोर्ट पे इम्पोर्ट पड़ी हो 2000 बिलियन की, 2 बिलियन की इंपोर्ट भी अगर आपकी पड़ी हो ना, तो तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आपके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं होगा। और वो भी कस्टम वाले आपका प्रोफाइल देखेंगे कि ये चीज मैच करती है, ये पीसीटी हेडिंग मैच करती है, अप्रेजर ने ये वैल्यू ठीक की है, उसके बाद आपकी इंपोर्ट होगी क्लियर, वरना आपकी इंपोर्ट क्लियर नहीं होगी। जी सेक्शन 14 आ जाते हैं। मैं कहता है बिल्कुल, इसका मोड ऑफ रिकवरी वही है जो कि जिस तरह हम उसमें देखते थे, कहता है इनकम टैक्स में कि आपने रिकवरी ऑफ अनपेड टैक्स और एरोनियसली रिफंडेड टैक्स और एरियर्स ऑफ जो है ये कहता है टैक्स, सिंपल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्स टैक्स में है। और एग्जेम्पशन भी आप सेक्शन 16 में देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वही एग्जेम्पशन हैं जिस तरह सेल्स टैक्स में है। और ये आपकी वो मेजर प्रोविजंस हैं, समझें कि अब आप सेल्स टैक्स ही पढ़ रहे हैं। मैं इसकी रीडिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशंस पूछता हूं। मुझे लग रहा है कि आपको इसकी या तो समझ आ रही है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वेयर एनी पर्सन हैज नॉट लेविड और पेड एनी ड्यूटी, किसी पर्सन ने कोई ड्यूटी लेवी नहीं की, उसने पे भी नहीं की, या उसने शॉर्ट लेवी कर दी है या शॉर्ट पे कर दी है, या उसे रिफंड गलत हो गया ड्यूटी का, सच पर्सन शैल बी सर्विस विद नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज। लेकिन वही तरीकाकार है, आपको एक नोटिस हम उसे भिजवाएंगे विद इन 5 ईयर्स भिजवाएंगे और उसे कहेंगे भाई आप कॉज बताओ आपने क्यों ये नहीं पे की। बिल्कुल सिंपल है जी, मुझे कहा जा रहा है इजी है सर, चलें खुशी की बात है, अल्लाह करे आपको और भी अच्छा तरह से समझ आए। बिल्कुल सेल्स टैक्स वाला तरीका कार है, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद आप उसके ऑब्जेक्शंस को देखेंगे, अपने ऑब्जेक्शंस देखेंगे और उसकी अमाउंट जो पेएबल है वो डिटरमिन करेंगे, और वो अमाउंट पे करेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज पे करेगा और वो पेनल्टी भी पे करेगा, और इस एक्ट के तहत पे करेगा। यहाँ वो सेल्स टैक्स के तहत सरचार्ज नहीं देगा, ठीक है, या पेनल्टी उसकी डिफरेंट है। अगर 120 दिन हो गए हैं, बिल्कुल सही बात कि अगर उसे आपने शो कॉज किया और 120 दिनों के अंदर आपने उसका ऑर्डर नहीं किया तो
आप उसका ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, या अगर आप चाहें तो कमिश्नर उसमें एक्सटेंशन दे सकता है। बिल्कुल सेल्स टैक्स का मैटर है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। मैं आगे चलता हूँ, एक दो चीजें आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। ये सेक्शन 11A की तरह है, सेक्शन 14A बिल्कुल सेक्शन। आप चाहें तो बगैर किसी नोटिस के, आप चाहें तो बगैर किसी नोटिस के आप उससे कोई भी ड्यूटी जो उसने शॉर्ट पे की है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं सेक्शन सेक्शन 15 की तरफ। ये ऐसे ही है जैसे आप कस्टम्स एक्ट अप्लाई करें, क्योंकि कस्टम्स एक्ट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसे तकरीबन 40 साल कस्टम्स एक्ट ने, कस्टम्स ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज को जो है वो ऑपरेट किया है, इसलिए आपने ये देखा होगा कि इसमें बीडिंग बहुत ज्यादा है कस्टम्स की। और चूंकि कस्टम्स के एंड पे भी इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता है, ये एक ऐसा लॉ है, ये तीन लॉ ऐसे हैं, कस्टम्स एक्ट ऑफ 1969, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स एक्ट, ये ऐसे हैं जैसे आपस में नथी हुए हुए हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा और मैं आपको सेक्शन 16 दिखाऊंगा। ये सेक्शन कहता है कि वो गुड्स जो सेक्शन फर्स्ट कैजुअल में मेंशन हैं उसके अलावा जितने भी होंगे सब के सब एग्जेम्प्ट होंगे, वो एक्साइजेबल गुड्स या वो एक्साइजेबल सर्विसेज जो फर्स्ट कैजुअल में मेंशन हैं उनके अलावा जितने भी होंगे सब के सब एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक, अच्छा, और जो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगे उनके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है ये, तकरीबन आज का लेक्चर खत्म हो गया है। मैं जो है इसको मजीद अगर कहते हैं तो उसको देख लेता हूँ। अपने क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ पूछने हैं तो मुझसे पूछ लें, तो फिर कहते हैं हम इसमें देखते हैं। जी जनाब, जो क्वेश्चन पूछना चाहें अपने माइक्स ऑन कर देते हैं। मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके माइक्स ऑन कर दें ताकि जो क्वेश्चंस पूछना चाहें पूछ लें मुझसे। जी हेलो सर, हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन थोड़ा मेरा ये है कि प्लीज ये अगर थोड़ा इन दोनों का दोनों को डिफरेंशिएट कर लें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इसको सेल टैक्स को। इसकी पेनल्टीज की प्रोविजंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सेल्स टैक्स में हैं, रेट का फर्क है थोड़ा सा, डिफॉल्ट सरचार्ज भी वैसे ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा बाकी जो इसमें अपील्स हैं वो भी वैसे ही हैं। मैं आपको उसका कहता है अगर उसकी जिस थोड़ी सी दिखा भी दूं तो सेम सिमिलर वही एक्शन है, आप समझिए बिल्कुल पैरेलल है। हत्ता कि मैंने एडमिन को रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों ने एक कंपैरिजन बनाया था जो सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज को आपस में एक जैसा, जो जो चीजें प्रोविजंस वो भी आपको मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मेल कर दें। और उसके अलावा जो है हमने आपको इसकी लिस्ट जो है रिसोर्स पर्सन ने वो भी बना दी है, और जो इसमें आपको पूरे की प्योरी बेयर जो है इसके सेक्शंस वो भी, उनमें से कौन कौन से सेल्स टैक्स जैसे हैं वो भी मैं एडमिन हेलो, को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ईमेल कर दें, और आज के लेक्चर की सारी स्लाइड्स भी आपको ईमेल कर दें। हेलो।